हत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी ने एक वीडियो जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध की है कठोर कार्रवाई की। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कर्णी सेना का क्या होगा अगला कदम, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं जीवन सिंह सोलंकी। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 दिन पहले पालघर में हिंदू संतों के ऊपर जो हमला हुआ उसमें 2 संत और एक उनके ड्राइवर की मृत्यु हुई है, और जिन लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में भीड़ का सहारा लेकर उनके ऊपर हमला किया और उनको मौत के घाट उतारा, मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और अगर सरकार ने कोई संतोषजनक निर्णय, कोई संतोषजनक सजा उनको नहीं दी तो करणी सेना पालघर जाकर उन सभी अपराधियों को घर से बाहर निकालकर करणी सेना सजा देगी। मैं फिर से माननीय उद्धव ठाकरे साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो करणी सेना अपने आप तरीके से ऐसे उपद्रवियों को जो हिंदू धर्म के ऊपर अंगुली उठाते हैं, जो हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रचे हैं, उन सबको इलाज करने के लिए करणी सेना तैयार है। जय माता दी, जय मां करणी, जय महाराष्ट्र।